वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम गार्डेनिया के प्लांट को रिपोर्ट करेंगे एक बड़े से गमले में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे गार्डेनिया के प्लांट है जिसे गंधराज के नाम से भी जाना जाता है। और इसके फ्लावर उजले कलर के और बड़े साइज के आते हैं, और इसके फ्लावर में एक खुशबू भी आते हैं जो पूरे गार्डन को, अगर आप गार्डन में इस प्लांट को लगा रखे हैं तो इस फ्लावर प्लांट से आपके पूरे गार्डन महक उठते हैं। तो फ्रेंड्स, गंधराज के प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए एक बड़े से मैं गमले ली हूँ। इससे पहले मेरे छोटे गमले में ये प्लांट लगे हुए थे, और इसके लिए जो सॉइल हम रेडी करने वाले हैं ये 40% के करीब ये सॉइल है, बिल्कुल गार्डन खेत वाली मिट्टी, और ये 20% के करीब काउडंग फर्टिलाइज़र, और 10% के करीब ये बर्मी कंपोस्ट, और एक मुट्ठी के करीब ये नीम खली मैं ले रखी हूँ, और 10% के करीब ये सैंड। तो चलिए इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए जो भी आप सॉइल तैयार करें थोड़े से वेल ड्रेन होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल पोरस मिट्टी। अभी समर सीजन चल रहे हैं तो इस समय इसके बेस्ट ग्रोइंग पीरियड है। ये प्लांट समर सीजन में अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ये प्लांट फुल सनलाइट से आपको इस प्लांट को बचानी है। फुल सनलाइट ये पसंद नहीं करते। आप कोशिश करें जहाँ भी रखें आफ्टरनून सनलाइट से बचाएं। आप इवनिंग की सनलाइट दे सकते हैं या फिर मॉर्निंग की सनलाइट आप इसे दे सकते हैं। तो चलिए मैं प्लांट को लगा लेती हूँ। मेरे प्लांट लग चुके हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से गंधराज के प्लांट को गमले में लगा सकते हैं। थैंक यू।